लाइव एक्शन मूवीज में अब तक हमें स्पाइडरमैन के टोटल 3 वर्जन दिए हैं, टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन, टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन और एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन। अब भले ही ये तीनों स्पाइडरमैन अलग अलग टाइम पे दिखे हैं, लेकिन एक मूवी ऐसी भी आई जहाँ पर ये तीनों हमें एक साथ दिखे। और ऐसे में यह बात भी दिमाग में आना स्वाभाविक है कि इन तीनों में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है और कौन ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है। तो चलिए कॉमिक से थोड़ा बहुत रेफरेंस लेते हैं और मूवीज के बेसिस पर जानते हैं कि तीनों में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है और कौन ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है। अगर पहले बात करें टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की, तो मूवीज के बेसिस पर मुझे लगता है कि यह स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि मूवीज में दिखाया गया है कि टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन 20 टन तक का वेट लिफ्ट करने में कैपेबल है। कॉमिक्स में वो सिम्बायोट के साथ और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, जो कि हमने मूवी में भी देखा है। अगर पहली स्पाइडरमैन मूवी की बात की जाए, तो मूवी के क्लाइमेक्स बैटल में वो एक बच्चों से भरी हुई पूरी गाड़ी को पकड़ता है, साथ ही वो मैरी जेन को भी एक हाथ से पकड़ के रखता है। अगर स्पाइडरमैन 2 मूवी की बात की जाए, तो वो अपने पावर और अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पर पूरी ट्रेन को रोक देता है। स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी की भी अगर रेफरेंस ली जाए, तो वहां पर टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को तब रोका था जब वो अपनी पूरी ताकत के साथ ग्लाइडर से ग्रीन गॉब्लिन को मारने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन स्ट्रेंथ के मामले में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से ज्यादा स्ट्रांग है और इसी वजह से वो उसे वहां पर रोक पाया था। और सबसे खास बात यह है कि अपने इन स्ट्रेंथ के लिए टोबी मैगवायर को किसी भी तरह के हाईटेक सूट की जरूरत नहीं है और ना ही किसी तरह के गैजेट्स की जरूरत है। अब बात करते हैं एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की। तो अब तक हमें इसकी सिर्फ 2 ही मूवीज देखने को मिली है और तीसरी बार यह अपीयर हुआ था स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में, लेकिन तब भी इसकी अच्छी खासी फिर से हमें मूवीज में देखने को मिल जाती है। पहली अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में बच्चे को पुल से गिरने पर वो बचाने के लिए कार को अपने हाथ से पकड़ के रखता है। अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में हवा में आती हुई एक पुलिस वैन को वो आसानी से पकड़ लेता है। अगर कॉमिक से थोड़ा बहुत रेफरेंस लिया जाए, तो उसके बेसिस पर एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन भी बाकी स्पाइडरमैन की ही तरह लगभग 10 टन तक का वजन लिफ्ट कर सकता है, जो कि उसे टोबी मैगवायर से ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं बनाता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके लेवल तक लेकर आ जाता है। हालांकि वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन तब भी वो काफी ज्यादा फास्ट है, स्ट्रांग है और इंटेलिजेंट है। उसने खुद ही अपने वेब शूटर्स बनाए हैं और उसने एक ऐसा फॉर्मूला भी क्रिएट किया जिसकी वजह से डॉक्टर कॉनर्स लिजर्ड में कन्वर्ट हो गए थे। फिर बाद में उसे ठीक भी किया। कई जगहों पर वो अपने स्पाइडर सेंस का भी अच्छे से यूज करता है। टाइम स्क्वायर में जब इलेक्ट्रो के साथ फाइट हो रही थी, वहां पर भी उसने अपने स्पाइडर सेंस का अच्छे से यूज किया और वहां पर वो इलेक्ट्रो को हराने में भी कामयाब हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रो इतने तेजी से अटैक कर रहा था कि उनसे बच पाना सिर्फ और सिर्फ स्पाइडर सेंस की वजह से ही पॉसिबल था। और ये शो करता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग है, लेकिन तब भी वो टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अब फाइनली बात करते हैं टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की। तो जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहली बार स्पाइडरमैन को अनाउंस किया गया था और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के ट्रेलर में जब हमें पहली झलक दिखी थी, तब हम इस बात से खुश थे कि अब फाइनली हमें स्पाइडरमैन का कैरेक्टर अवेंजर्स के साथ बात करते हुए और फाइट करते हुए दिखेगा। लेकिन पर्सनली टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को पहले कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। बाद में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ने अपनी एक इमेज क्रिएट की फैंस की नजरों में। उसके पास टोनी स्टार्क के बनाए हुए गैजेट्स है, टोनी स्टार्क का बनाया हुआ हाईटेक सूट है, एमसीयू में पीटर पार्कर के पास कई सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ सूट्स है, कई सारे गैजेट्स है, जिसकी वजह से उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मूवीज की बात करें, तो वो लगभग 12.5 टन तक का वेट लिफ्ट कर सकता है, जो कि एंड्रू गारफील्ड से तो ज्यादा है, लेकिन टोबी मैगवायर के कंपैरिजन में कम है। उसके पास कई सारे गैजेट्स है और हाईटेक आर्मर है, जिसकी वजह से वो थैनोस के अगेंस्ट भी फाइट कर चुका है। अगर स्पाइडरमैन होमकमिंग की बात करें, तो यहाँ पर हमें स्पाइडरमैन की सबसे पावरफुल फीट्स भी देखने को मिलती है, जहाँ पर बिना किसी टेक्नोलॉजी या फिर बिना किसी हाईटेक सूट का यूज किए वो अपने ऊपर गिरे हुए बिल्डिंग के मलबे को उठाने में कामयाब होता है। अगर बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी की, तो वहां पर भी वो ग्रीन गॉब्लिन के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखता है। इसका मतलब है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सिविल वॉर मूवी में भी वो बकी के हाथ को ऐसे रोक लेता है जैसे कि कोई नॉर्मल सी बात हो, क्योंकि बकी के हाथ को रोकना हर किसी के बस की बात नहीं है, और यह सब उसकी स्ट्रेंथ को शो करते हैं। हालांकि अब तक सिम्बायोट से उसका पाला नहीं पड़ा है, लेकिन शायद अगर सिम्बायोट उसके साथ जुड़ जाए, तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अगर बात करें फायर फ्रॉम होम मूवी की, तो वहां पर मिस्टीरियो के अगेंस्ट वो अपने स्पाइडर सेंस को भी अच्छे से यूज करता है। इन सबके बेसिस पर मैं कहना चाहूंगा कि टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड, इन तीनों में से अगर कंपेयर किया जाए, तो सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग मेरे अकॉर्डिंग टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन होगा, क्योंकि वो सबसे पुराना भी है, सबसे एक्सपीरियंस भी हो। एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू अदर टू स्पाइडरमैन। एंड फाइनली टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है, वो हाईटेक गैजेट्स के साथ में ज्यादा पावरफुल है एंड्रू गारफील्ड से। लेकिन अगर बिना हाईटेक गैजेट्स के बात की जाए नॉर्मल सूट्स में, तो एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड, इन दोनों के स्पाइडरमैन लगभग एक जितने ही पावरफुल होंगे। तो यहाँ पर विनर के लिए मेरी चॉइस वो भी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन है। खैर, आपको क्या लगता है तीनों में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जा। मिलते हैं अगले वीडियो। Throw